इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के मामले पर आज पांचवी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। बड़ी बात यह है कि देश में कोरोना के तीव्रता से बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है, यानी 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले इस एक हफ्ते में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता ज्यादा बढ़ाई जाएगी, मतलब जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 20 अप्रैल तक हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बारीकी से परखा जाएगा कि लॉकडाउन का पालन कितना हो रहा है। उसके बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो सफल होंगे, यानी जो राज्य, जो जिला सफल होंगे, वहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे। उसे देखते हुए वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में छूट की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन याद रखिए यह अनुमति सशर्त होगी। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा कई बड़ी बातें कही गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, आइए देखते हैं। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे।
लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1,500-1,600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1,00,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकाले। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।